हेलो अरुण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है BSET की क्लासेस में। डेली आप लोग पता है यूपी ट्रिपल सी PT की आप लोग क्लास चलती है, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चन कराता हूँ, इंपॉर्टेंट हिंदी क्वेश्चन कराता हूँ और इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन कराता हूँ। तो इस प्रकार देखा जाए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी और इसमें जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग को स्टडी के ग्रुप में शेयर करना है, तो उम्मीद है आप सभी ने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा। और पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने आपको बताना है, बालाघाट का मलंजखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? लोहे के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, चांदी के लिए या तांबे के लिए? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग। तो आपको याद रखना है तांबे के लिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। इसमें आपको बताना है जनजातीय पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया ज़िलों में पाई जाती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बता दें क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। और जो लोग भी क्लास में अभी आए हों, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार, जो लोग अभी अभी आए हों। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संथाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। इसमें आपको बताना है कोडवा का लुप्तप्राय द्रविड़ भाषा है और दक्षिण देश के कोडगु ज़िले की मूल भाषा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो है अब हम लोग आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश से सूखी मिर्च का परिवहन ये बांग्लादेश को किया है, ये आपको याद रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, भारतीय रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य से सूखी मिर्च का परिवहन बांग्लादेश से किया, बांग्लादेश के साथ किया है। दो तीन योजनाएं आपको आंध्र प्रदेश की याद रखना है, कौन सी? नवरन नालू पेंद्रालिक्रम कार्यक्रम और जगन्ना विद्या दीवेना योजना। ठीक, ये दो योजनाएं आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊं नए ज़िलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है किस राज्य ने? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न देखिए अब आप लोग। इसमें आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? बताइए इसमें से कौन सा एक अल्पाइन देश है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इटली जो है ये एक अल्पाइन देश है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। चलिए इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। इसमें आपको बताना है संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में, ठीक, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को, ठीक, वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। तो आपको वो संविधान संशोधन भी बताना है और वो कब किया गया वो सन भी बताना है। तो ये दो चीज़ें आपको बताना है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं आप सभी लोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बताया, देखिए अच्छा बहुत सारे, ठीक, बहुत सारे एस्पिरेंट ये पूछ रहे थे कि UP SSC PT का एग्ज़ाम कब होगा, UP SSC PT का एग्ज़ाम कब होगा। तो वो एग्ज़ाम का मंथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड। सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग हम लोगों से जुड़ जाएँ और एग्ज़ाम के बारे में जानकारी को पा पाएँ। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबसे पहले आप लोग एक बार। तो देखिए अक्टूबर से पहले आप लोग का एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, अक्टूबर से पहले आप सभी का PET का एग्ज़ाम हो जाएगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, तो अक्टूबर में अब ज़्यादा टाइम भी कहाँ रह गया भाई, ठीक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 5 से 6 महीने ही तो रह गए। और मगर पाँच महीने आपको डट कर पढ़ाई करनी है, तब आप लोग जो है जो अक्टूबर में PET का एग्ज़ाम हो पाएगा वो आप निकाल पाओगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताएं आप सभी लोग। अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी थी, बताइए 30%, 40%, 50% या 60%?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 50%। आप सभी को याद रखना है कि 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी थी, कितनी? 50%। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है 7 सितंबर 2005 को भारत सरकार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहते हैं, लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम मजदूरी देकर का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 100 दिन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब इसमें आपको बताना है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया, ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब इसमें आपको बताना है कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय में मिथिला क्षेत्र में किया जाता है, बताइए मधुबनी, पट्टचित्र, कालीघाट या टिकुली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मधुबनी कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब आपको बताना है संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है? 416 प्रति वर्ग किलोमीटर, 325 प्रति वर्ग किलोमीटर या 573 या 289? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी को याद रखना है जनसंख्या घनत्व कितना है? 416 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए अब आप लोग, इसमें आपको बताना है नवंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत विश्व बैंक के व्यापार करने में आसानी की श्रेणी में कौन से स्थान पर रहा? बताइए कौन से स्थान पर रहा? तो 77वें स्थान पर रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, देखिए इसमें आपको बताना है लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी, बताइए इकोनॉमिक एंट्री, कंजर्वेटिज्म या गोइंग कंसर्न या कॉस्ट, रूढ़िवाद, सुनामी प्रतिष्ठान या खर्च? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग। तो सुनाम प्रतिष्ठान यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब इसमें आपको बताना है जनवरी 2019 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नौसेना के लिए 6 बड़ी पनडुब्बियों तथा सेना के लिए 5,000 एंटी टैंक मिसाइलों के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, नाग हेलिना या अमोघ वन या मिलन टूटी, बताइए। जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए आप सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिलन टूटी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा की सूची 2018 के अनुसार कौन सा देश 100 में से 88 अंक हासिल करने वाला दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2018-19 के वो क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे कि आपने देखा होगा एनटीपीसी का भी आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, मैंने उसका एनालिसिस किया है, तो मैंने पाया है कि उसमें जो दो दो साल पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे, यानी कि ठीक है बहुत अंदर के क्वेश्चन थे वो भी पूछ लिए गए थे, मगर ज़्यादातर देखा जाए तो क्वेश्चन आपके सामने वही दिए गए थे 2018 के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए
यानी कि इम्पोर्टेंट का मतलब, मेरा मतलब यह है कि जो जो अंदर से क्वेश्चन नहीं निकाले गए थे, यानी कि जो बाहरी बाहरी क्वेश्चन थे, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग क्या हो सकता है। तो डेनमार्क इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अब इसमें आपको बताना है जनवरी 2019 में भारत सरकार का भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता सम्मान, जिसे अशोक चक्र कहते हैं, अशोक चक्र लॉस न्यायिकों को मरने के बाद दिया गया, यानी कि मरणोपरांत दिया गया। बताइए नज़ीर वानी को, या रामस्वामी परमेश्वरम को, करम सिंह को, जगुनाथ सिंह को, जदुनाथ सिंह को, बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नज़ीर वानी। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब आपको बताना है महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 की विजेता का नाम बताइए, सिमोना हालिप, स्टोन स्टीफेंस, या नाओमी ओसाका, या येलेना ओस्टापेंको। तो नाओमी ओसाका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब इसमें आपको क्या बताना है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से संबंधित है। बताइए आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जब भी पश्चिम बंगाल की बात आती है, मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है, स्नेहर पेरोश योजना ये भी पश्चिम बंगाल की योजना है, और मातिर स्मृति योजना ये भी पश्चिम बंगाल की योजना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। देखिए एक योजना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। उत्तर प्रदेश में ही 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड में बदला जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें आपको बताना हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए कौन सी किस्म के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश। सॉरी गाइस, बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका चौसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो कुछ हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही नादौन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। पंचवटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश ने चलाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, इसमें आपको बताना है एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, एक्सेस, ब्रिज, क्वाइंट या कैप्चा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लाइंट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, चलिए इसमें से आपको बताना है कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेवॉर्म कहा जाता है, डोप कहा जाता है, डिगॉस कहा जाता है, या बाउंस कहा जाता है। सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डिगॉस। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, इसमें आपको बताना है विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो बताइए क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि .wav विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था, कन्नौज में, गौतम बुद्ध नगर में, संभल में, या सारनाथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारनाथ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, इस प्रश्न में आपको बताना है राधा और कृष्ण की पूजा से
जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? छोलिया, छाऊ, चरकुला या दुल्हन? दुनहल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो लोग भी चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि चरकुला, बिल्कुल सही चुन रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। इसमें आपको बताना है प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में भी जाना जाता है, अमेठी ज़िले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूज कहा जाता है। तो बताइए स्थानीय बोली में इसे किस रूप में जाना जाता है? बहिया, सरपत, दूध या दुर्वा? दुर्वा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरपत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सरपत के रूप में जानी जाती है स्थानीय बोली में। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया उसका आंसर बताइए आप सभी लोग। इसमें आपको बताना उत्तर प्रदेश का वो कौन सा ज़िला है जो विशिष्ट और उत्कृष्ट डिज़ाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो वो कौन सा ज़िला है? उस ज़िले का नाम है भदोही। ये आपको याद है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की बात आई है तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये आपको याद रखना है। एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का लघु रूप ही होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करें तो यह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। कौन? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनको शपथ दिलाई जाती है, इस बात का आवरण अनुच्छेद 164 में है, ये आपको याद रखना है। देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके जो राज्य होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मगर जो केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बात आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है उत्तर प्रदेश में बताइए? तो अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है बताइए? 10 बार लग चुका है। सबसे पहले कब लगा था? 1968 से 1969 तक लगा था सबसे पहले जो लगा था। उसके बाद जो अभी अंतिम बार लगा है, ठीक है, 2002 में लगा है। कब लगा है? 2002 में लगा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसमें आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन को देखकर आपको बताना है किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो बताइए किसको माना जाता है? तो ये आपको याद रखना है, गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है, ठीक है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग। जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग बता दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि कजरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको बताना है कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था? बताइए कौन सा विश्वविद्यालय था, उसका क्या विश्वविद्यालय का नाम था, ये आपको बताना है। तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ है क्या है? यहाँ पर हिरण का उद्यान है, ठीक है, या मूलगंद की कुटी विहार है, या तिब्बती मंदिर है, या रामभर स्तूप है, बताइए इस प्रश्न का आप लोग सही उत्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि रामभर स्तूप इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। इसमें आपको बताना है बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है, तो बताइए। तो जो लोग भी आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं यानी कि करजन, बिल्कुल सही इसका आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या मेरठ?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसमें आपको बताना है बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के प्रमुख थे, रक्षा मंत्री थे यानी कि ये आपको बताना है, शिक्षा मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे या अर्थ मंत्री थे, बताइए। अर्थ नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपको याद रखना है बलदेव सिंह जो थे ये रक्षा मंत्री थे, कौन थे ये रक्षा मंत्री थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है कि विश्व धर्म संसद 1893 में जो हुई थी इस पर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था, कहाँ, न्यूयॉर्क, शिकागो या वॉशिंगटन DC या लॉस एंजल्स, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग। तो अमेरिका के शिकागो में हुआ था ये धर्म, ठीक है, विश्व धर्म संसद सम्मेलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि शिकागो। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम, ठीक है, 15 यानी कि 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया, आपको बताना है किसके द्वारा पारित किया गया ये आपको बताना है, चलिए बताइए। तो किसके द्वारा पारित किया गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह का प्रतिबंध था, बताइए 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष या 16 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 12 वर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 वर्ष की बालिकाओं को विवाह पर प्रतिबंध था, 12 वर्ष से कम की बालिकाओं को विवाह पर प्रतिबंध था। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन भी हम लोग उसको कहते हैं, ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, तो बताइए कहाँ पर हुआ था, सूरत, मुंबई, भोपाल या उज्जैन में, तो देखिए कहाँ पर हुआ था ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बताइए किसने किया था। तो 1928 के जो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, ठीक है, ये आपको बताना है, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, कौन थे, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, बताइए भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की आपको बताना है पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर होती है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर होती है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान पहले स्थान पर है। अगर राजस्थान पहले स्थान पर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,238 किलोमीटर है। ठीक है, 238 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, किलोमीटर वर्ग है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है, तो बताइए कौन सी नदी बहती है, सावित्री नदी, मूठा नदी, लूनी नदी या गिरना नदी, तो लूनी नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, ठीक है, स्थित चोटी है, बताइए देवमाली, कारो, सैडल या बेलिंग छिप, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देवमाली, कारो, सैडल या बेटिल गचिप, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि सैडल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब
अब आपको बताना है मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या असम? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बता दें, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या असम? सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे भाई, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है यकृत के विषरण के दूसरे चरण के दौरान अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बताइए, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फाइटोन्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व से आता है। बताइए 60%, 40%, 20% या 80%? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 80%। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीके सब्जेक्ट पर कमांड बनानी है तो डेली आपको क्लास में आना पड़ेगा, डेली आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक। अगर आपको जीके सब्जेक्ट में बहुत ही अपनी पकड़ बनानी है, इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। मनुष्य में अग्र चरणवर्णक दांतों का चरणवर्णक दांतों का के साथ अनुपात क्या है? तो आपको अनुपात बताना है, तो बताइए अनुपात, तो क्या होगा अनुपात? ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन ही लिखा हुआ है, ठीक है, अनुपात 2:3। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको बताना। देखिए मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो है, सभी को पता है, वाटर वेपर भी है, नाइट्रोजन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? बताइए कौन से प्रकार का कोयला है वो? तो उस कोयले का जो प्रकार है वो एंथ्रासाइट प्रकार का है। एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें आपको बताना है जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो उस समय कौन सी गैस निकलती है? उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखिए अब और इसका आंसर बताएं आप सभी लोग। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? बताइए इसके तारत्व को तय करती है। तो आप सभी को याद रखना है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो होती है इसके तारत्व को तय करती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताना है ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है? बताइए ग्रेफाइट किस तत्व से बना होता है? तो आप सभी जानते हैं जो लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, यानी कि कार्बन, बिल्कुल सही दे रहे हैं। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन तत्व से बना होता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, चलिए स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर आप सभी लोग। तो देखिए स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। इसमें आपको बताना है जिघ्या की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने आने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो बताइए ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्म ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अनौपचारिकता, नापातुला, निर्वैयक्तिक या बाहर भीतर बातें? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाहर भीतरी बातें। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? बताइए भाई किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो आप सभी जानते हैं आयकर अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के
निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? संभरक को, बल्ब विभाग को, या उपलब्धता विभाग को, या अध्यक्ष महोदय को? देखिए, क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं और आप लोग इन क्वेश्चन को स्किप कर देते हो, तो आज से आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्न में कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग स्किप नहीं करोगे, बल्कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसका 100% एक्यूरेसी के साथ सही आंसर लगा कर आओगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे बच्चों से आगे बढ़ा देता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों से आपको आगे बढ़ा देगा एक क्वेश्चन सिर्फ। इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा। कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्राइएट वर्ड, तो आपको बताना है यहाँ पर खाली जगह पर कौन सा वर्ड आएगा। प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ ए जॉब, प्रिया इज कट इन, या प्रिया इज कट अप, प्रिया कट थ्रो। तो यहाँ पर जो सबसे सही आ जाएगा कट आउट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ ए जॉब। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज ए मटेरियल नाउन, इनमें से कौन सी नाउन मटेरियल नाउन है ये आपको बताना है। तो देखिए मटेरियल इसमें नाउन कौन सी है, आयरन जो है ये एक मटेरियल नाउन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, अब इसमें आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस, बताइए इनमें से कौन सा, ठीक है, जो है वो ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस है। तो देखिए गिव मी 4-5 रुपीज़ नोट्स, नहीं, गिव मी 4-5 रुपीज़ नोट ये भी नहीं होगा। उसके बाद गिव मी 4-5 रुपी नोट, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एवरी बॉय अलोंग विद हिज पेरेंट्स हिज वेटिंग इन द नेक्स्ट रूम, बताए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एवरी बॉय अलोंग विद हिज पेरेंट्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें आपको बताना है किस में एडजेक्टिव क्लॉज है, बताइए। आई बॉट ए ब्यूटिफुल चेन, नहीं, ठीक, आई बॉट ए चेन विच है विच वॉज ब्यूटिफुल, हाँ, तो इसमें जो है एडजेक्टिव क्लॉज है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप सभी के सामने रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसके क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो इसको शेयर ज़रूर कर दें आप लोग, इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अब मिलते हैं, कल मिलते हैं।